हेलो भाई, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ हैं वैगनार VXi, जो कि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल आता है। ये वैगनार 1999 में लॉन्च हुई थी और ये इसका थर्ड जनरेशन वेरिएंट 2019 में लॉन्च हुआ था। आप देख सकते हो कैसी दिख रही है साइड में ये गाड़ी। ये इसके हेलोजन हेडलैम्प्स, ये 14 इंच के स्टील व्हील रिम, आगे डिस्क मिलेगी, पीछे ड्रम, यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, साइड में मिलेंगे यहाँ पर। अगर हम डाइमेंशंस की बात करें, इसमें 3.6 मीटर लेंथ मिलती है, 1.6 मीटर हाइट और 4.6 मीटर टर्निंग रेडियस। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 846 kg है इसका वेट। और चलिए देखते हैं हम साइड से, बैक साइड की बात करें, बैक में एक बड़ी सी टेल लैम्प दी गई है, उसके नीचे एक क्रोम का फिनिश, ऊपर सुजुकी का लोगो और दो पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, नीचे डिफ्यूज़र और एग्जॉस्ट टेल पाइप यहाँ पर। चलो इसे खोल के देखते हैं, अनलॉक करके देखते हैं। पहले बूट खोलेंगे, यहाँ आपको मिलेगी 341 की बूट स्पेस और नीचे एक स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि सेम साइज़ का होगा शायद। हाँ, सेम साइज़ का है, 14 इंच का, क्रॉस कटिंग नहीं की गई है इधर। ये 341 की बूट स्पेस, यहाँ पर पार्सल ट्रे मिलेगी, पार्सल ट्रे और 60-40 स्प्लिट आप देख सकते हो, 60-40 स्प्लिट मिलेगा आपको यहाँ पर, 60-40 स्प्लिट। रियर वाइपर टॉप मॉडल में ही मिलेगा, यहाँ पर हाई मोमेंट स्टॉप लाइट मिलेगा यहाँ पर। चले बैक में देखते हैं कितनी स्पेस है इसमें। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिलेगा, पावर विंडो का स्विच मिलेगा, ऐसे दो कप होल्डर, एक कप होल्डर और एक अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा। यहाँ पर स्पीकर की ये दी गई है। हेडरूम ठीक है इसमें, हेडरूम थोड़ा बहुत अंडर से सपोर्ट कम है, लेग रूम भी ओके हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है इसमें आगे। फ्रंट में इसको चार पावर विंडो मिलेंगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं मिलेगा क्योंकि वो टॉप मॉडल में ही आता है, VXi ऑप्शनल ZXi प्लस में आता है, एक VXi मॉडल है। तो चलिए चाबी लगा के देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल ट्रिप मीटर, फ्यूल मीटर और दिखाएगा रेंज और माइलेज, और यहाँ पर मिलेगा आपको एनालॉग स्पीडोमीटर। आरपीएम मीटर नहीं मिलेगा इसमें, जो कि दिक्कत वाली बात है, थोड़ी बहुत होना चाहिए था इसमें। यहाँ पर कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे स्टीयरिंग पे, और यहाँ पर ये वाइपर का थ्रो, वाइपर का थ्रो अच्छा है। इस साइड मिलेंगे आपके वाइपर्स, इस साइड मिलेंगे आपके इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल। ये है इसको स्टूडियो सिस्टम जो करेगा सपोर्ट ऑक्स, USB और ब्लूटूथ। ये इसके वॉल्व के कंट्रोल, ये AC ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल AC। यहाँ पर मिलेगा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ये हैंड ब्रेक, थोड़ी स्पेस कप होल्डर्स के लिए, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस है। ग्लोव बॉक्स बहुत बड़ा है, ठीक साइज़ का है। चलिए इंजन खोल के देखते हैं, दिखाते हैं आपको इंजन कैसा है इसका। ये जो आप इंजन देख रहे हो, ये हैं 3-सिलेंडर के सीरीज़ इंजन जो प्रोड्यूस करता है 67 BHP। इसमें दो इंजन ऑप्शन आते हैं, और आता है 1.2 लीटर का 4-सिलेंडर के सीरीज़ का इंजन
जो प्रोड्यूस करता है 81 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये थ्री सिलेंडर इंजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन एग्जॉस्ट पाइप्स हैं और तीन ये हैं स्पार्क प्लग। तो कैसी लगी आपको ये वैगन आर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके बाय।